बांसा कला के राजा केशव राय दांगी जी की मणि जयंती, क्षत्रियों के गौरव दांगी राजपूत राजा केशव राय की अवतरण दिवस पर दामोह जिला मध्य प्रदेश स्थित बांसा कला में उनके चित्रों पर पुष्पांजलि और माल्यार्पण किया गया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने उनके बारे में विस्तार पूर्वक बताते हुए उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के दौरान बांसा कला के राजा केशव राय दांगी जी की मणि जयंती, क्षत्रियों के गौरव दांगी राजपूत राजा केशव राय की अवतरण दिवस पर दामोह जिला मध्य प्रदेश स्थित दौरान डॉक्टर बी एस दांगी, जसवंत दांगी, कलावती ठाकुर, विनीत दांगी ठाकुर, अनिरुद्ध सिंह ठाकुर, रामरतन ठाकुर, कमलेश ठाकुर, राम बाबू तथा मनोज ठाकुर आदि मौजूद थे। और अपने पुरखों को, आपको ये नहीं पता आपकी कुलदेवी कौन है, आपकी कुल देवता कौन है, तो अगर आपको नहीं पता है ये ज्ञान जरूर अर्जित करें और उनको कभी भी निर्वस्त ना रखें। आप समझ रहे हो, निर्वस्त ना रखें। जब हम सांका श्याम जी ये नरसिंहगढ़ देखा सबने, ब्यावरा वहाँ पार्वती नदी के किनारे मंदिर है, उसमें हम लोग गए एक बार मीटिंग करने, क्योंकि नरसिंहगढ़ में हमारे 12 गांव दांगियों के हैं। तो जो 12 गांव हैं उन्होंने, एक इंजीनियर साहब है वो हमारे अच्छे पहचान के, उन्होंने बोला भाई साहब इधर आओ, अपन आपको नई चीज दिखा। हम गए भाई, और वहाँ गुजर समाज के लोगों ने वो आधिपत्य कर लिया उस मंदिर पर, जबकि वो बोल रहे हैं कि ये किसने दिया, ये दांगी ठाकुरों ने दी हुई जमीन, दांगी ठाकुरों का मंदिर है वो। अब उन्होंने क्या बीजक लगे रहते थे, बीजक आप जानते हो पत्थरों पे लिखा रहता है, उन्होंने सब तोड़ ताड़ के उसमें एक कमरे में भर दिए, जिससे कि उसकी चिन्ह आपके। अब वो एक छोटी सी दांगिन माता लिख दी, एक पत्थर रख दिया, पत्थर पे लिख दिया दांगिन माता, क्योंकि दांगिन माता लिखना इसलिए जरूरी है, अगर उनको हटा दिया तो विनाश हो जाएगा उनका। किन का विनाश हो जाएगा, जहां जो ग्राम है ग्राम वासियों का विनाश हो जाएगा। तो शक्ति है वहां पर, लेकिन वो निर्वस्त पड़ी है। अगर आप लोग चाहें तो अपन चलें, उनको एक बार वस्त्र जरूर उनको चढ़ा। पुराना गढ़ पैरानी कहते, तो वो वंश लेखक कमल सिंह ने बताया कि वो आप लोगों का था। इसका निर्माण 800 से 1000 सदी पहले गोरख शाह, जो एक जागीरदार थे, राजा साहब थे, उन्होंने 5 घोड़ों की बलि दे के वो न्यू बनवाई थी। देखो उतना लेख लिखा है उनके, तो ये साक्ष बहुत बड़े साक्ष होते हैं। तो वो किला हमारा था। इसके बाद उनकी पीढ़ी आगे बढ़ी तो नयागढ़ पैरा बना, नयागढ़ पैरा आपका, फिर वहां से और ज्यादा विस्तार हुआ, जो कि गौणों के, गौण जो राजा थे पहले के, पहले इन लोग से लड़ाई हुई उनकी, और बाद में क्या जो जीत जाता था उनके अगर आप पराधीन हो जाते थे तो वो सामंत बना लेते थे, तो हम लोग फिर उनके सामंत बन गए इस तरह सागर में। तो मुझे लगता है कि 18वीं 19वीं सदी तक इनका वहां पर राज रहा, और आज भी वो प्राचीन पुरातत्व विभाग के कुछ हमारे मित्र हैं, वो भी ये बताते हैं नहीं अभी भी हमें क्या मिलते हैं मंदिरों में। जैसे पहले सती प्रथा चलती थी, तो बहुत सारे दांगियों की सतियों की वो ऐसे बनाते थे वो स्तंभ, किसके स्तंभ, ये पत्थरों के, और उसमें उकेर देते थे कि फलानी बाई। तो आज भी ये प्रमाण मिलते हैं जो कि हजारों पुराने। तो हमारा ये कहना है कि हमारी जो जड़ें हैं, हम लोग भी राजपूत हैं, लेकिन हम समय काल बस अपने आप को, क्योंकि जब आपके राजा रहे मतलब आप राजवंश से, लेकिन 1000 साल 1200 साल में हम कहां बहुत इंटीरियर चले गए, जहां हमारी शिक्षा नहीं हो पाई, हमारी प्रगति नहीं हो पाई, और हम अपना इतिहास भी भूल गए। तो हम खुद से संजोने की उसको, फिर से वो बिखरे हुए मोतियों को एक माला देने में अगर हम कामयाब हो जाते हैं, तो एक किताब रूप में, सुनो बोले भैया, एक किताब रूप में उसको अपनी नई पीढ़ी जो आने वाली है, जैसे मैं भोगा हूँ ना कि दांगी कौन, तो वो बता सके कि साहब ये पढ़ लो आप, सब आपको जानकारी मिले। हमारी जो नई पीढ़ी आए उसको किसी का मुंह नहीं देखना पड़े कि भाई ये हमारा इतिहास था, आप भी राजपूत थे, आप किसी ने सिंह लगाते हो,
इसीलिए आप ठाकुर लगाते हो, नहीं तो दूसरी जातियां नहीं लगाती, और अगर नहीं लगाती है जो दांगी नहीं लगाते हैं तो उनके लिए क्वेश्चन मार्क जरूर हम खड़ा करें कि भाई आप कौन, जिससे देखो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। हम बेटी विवाह करते हैं थोड़ा पूछो आप, क्योंकि हमारा जो प्योर डीएनए ही रहे, खून शुद्धता बनाए रखे। कुछ लोग कहते हैं आप कछवा राजपूत बोलते हो तो वो मानसिंह वाले, तो हमने कहा नहीं, मानसिंह वाले अलग पीढ़ी चली है, तो ये दांगी राजपूत ये अलग पीढ़ी चली है नरवर की, वो लोग तो राजस्थान चले गए थे। अब एक राजा के अगर 13 पुत्र थे तो गद्दी तो एक ही को मिलती है, बाकियों को जागीर है या गांव बट जाते थे पहले, तो हमारी स्थिति वो नहीं थी। हमने कभी भी मुगलों के साथ क्या नहीं किया, शादी संबंध नहीं, तो हम लोग शुद्ध हैं। तो ये हमारी चल रही है प्रक्रिया, अगर आप लोगों का सबका सहयोग रहा तो एक पुस्तक जरूर, और हमारे इतिहासकार जी बैठे हैं इनकी मदद से हम जरूर एक छोटी सी पुस्तक निकालें। आज एक और हमारा गर्व का विषय था, जो हमारे सागर से हमारे जिलाध्यक्ष अमृत भैया, शायद नहीं जानते हो सब लोग, थोड़ा खड़े हो जाओ अमृत भैया, खुरई से पधारे हैं और खुरई से ही आपके मंत्री जी आते हैं, और खुरई में आपका बहुत बड़ा व्यवसाय भी है, कुछ तो फ्लेक्स प्रिंट आउट का भी आपका ही है, तो उनका ही घर का ही बना हुआ है, तो उनके लिए तालियां हमारे लिए तो बड़ा अच्छे लोग जुड़े हमसे, अच्छे बिल्डर है, और उनका एजेंसी में दो तीन एजेंसी में है, अगर तुम्हारे पास छोटे भैया एजेंसी में काम देते हैं, आप बिल्डर का काम देखते हैं, और मेरा अचानक फेसबुक फ्रेंड बने थे, और हम अब 2 साल से बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत बढ़िया, और ये बन गए फेसबुक पर, आजकल फेसबुक से तो शादियां हो जा रही हैं। तो बांसा कला का लगभग इतिहास भाई साहब ने बता दिया था, बताने की जरूरत नहीं है, ये भी हमारे पूर्वज हैं, और मेरी सबसे एक ही नींद एवं देश विदेश की अनोखी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।